The Kolkata rape and murder case, the case has become political, and my colleague right now is in Kolkata. He's speaking to Locket Chatterjee, the BJP leader, who's on the streets protesting. कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत दुख की बात है। आज जब महिला कमीशन हम लोग पदयात्रा के लिए हम लोग एकदम शांतिपूर्ण जाने के लिए कोशिश किया, पहले ही तो हम लोग बहुत सारे लोगों को डिटेन किया, हमको भी डिटेन किया था, लेकिन पेपर्स नहीं दिखा पाया। हमारा कार्यकर्ता जाके हमको छीन के लेके आया था, नहीं तो हम लोग मिचिल में नहीं आ सकते थे। बहुत सारा लोग हमने किया, इतना पुलिस प्रोटेक्शन देके हमको क्यों रोकने का कोशिश कर रहे हैं? एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला का विचार मांगने के लिए महिला लोग रास्ते के ऊपर आए हैं। यार, इसको दबाने का कोशिश चल रहा है। ये जो चल रहा है ना, इसमें आवाज़ और भी थोड़ा बढ़ेगा। पूरा समाज, पूरा देश, देश से बाहर दूसरा देश भी इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। तो मुख्यमंत्री खुद महिला होके खुद को नीचे कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो सीबीआई के हाथ में है। अभी वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी दिया है, तुम्हारे हाथ में जो है तुम क्यों नहीं कर पाया? ये तो आर्जिकर नहीं है, कामधुनी, काकदीप, पाकशीत, बहुत कुछ है इसमें। किसी को तुम शास्ति दे पाया, उसको बेकसूर खलास किया। किसी को तुमने शास्ति नहीं दे पाया अभी तक। तो इसका इरादा ही है इसको दबाने का, एविडेंस रोकने का, एविडेंस को पूरा लोपाट करने का कोशिश चल रही है इसका, कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए थोड़ा सा असुविधा हो जाए और दूसरे रास्ता देख रहे हैं। क्या लग रहा है ममता बनर्जी का जो बयान सामने आ रहा है? पहला तो बयान आया कि स्टूडेंट को धमकी दिया, स्टूडेंट को जो रिवेंज लेने का बात ममता बनर्जी ने किया, उसके बाद डायरेक्ट पलटवार ममता बनर्जी का एक चैनल में पोस्ट किया कि मैं स्टूडेंट को ऐसा नहीं बताया। ऐसे धमकी उन्होंने मंच से दिया था कि स्टूडेंट लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को बोला आपके लिए FIR हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। ये क्या बात है? मतलब बेटी को तुम विचार नहीं दोगे? जो डॉक्टर्स लोग उनके लिए आवाज़ उठाया, उसको तुम बोल रहे हो तुम FIR करोगे, धमकी दे रहे हो। धमकी से अभी नहीं चलेगा। जो पश्चिम बंगाल में जनता, जो ममता के ऊपर जो रोष जो आया ना, उस रास्ते के ऊपर अभी ममता दीदी का मतलब ख़त्म होने का आरंभ हो गया, शुरू हो गया है, प्रोसेस शुरू हो गया है। और उन्होंने जो बोला कि हम UP सब जला देंगे, आसाम जला देंगे, उड़ीसा जला देंगे, इतनी हिम्मत कैसे दिया उसको? एक विचार के लिए आप देश जला देंगे, विचार नहीं करेंगे? मतलब देशद्रोही मामला होना चाहिए। देश के विरुद्ध में बोल रहे हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। मंच के सामने से इतना बड़ा धमकी अभी तक कोई मिनिस्टर ने नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि ये विचार नहीं दे पाएंगे तो तुरंत इसको रिज़ाइन देना चाहिए और जनता के आवाज़ में एक दिन इसको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल, उसका एक तस्वीर निकल के आया है TMC लीडर के साथ, जिसको पूछताछ कर रहे CBI, संदीप घोष। सब लोग TMC के साथ ही थे। बहुत सारा कारोबारी चलते थे, ऑर्गन ट्रांसफर, ऑर्गन का रैकेट, पूरा बॉडी का रैकेट। आपने सुना है, हजार पोस्टमार्टम भी, पोस्टमार्टम से घर ले जाने तक एम्बुलेंस, सबको पैकेज सिस्टम था। बहुत सारा वहाँ पे रैकेट चलते थे, बहुत सारा करोड़ों रुपया का वहाँ पे बिजनेस होता था। बहुत सारा रैकेट सामने आएगा, आप देखना। संदीप घोष को अरेस्ट करके बहुत सारा कुछ लोग, बहुत प्रभावशाली लोग का सामने आएगा। और हम लोग चाहते हैं कि सामने आए कि सरकारी हॉस्पिटल में कैसा होता है। शायद वो बेटी ने जान गया था। ये पूरा पॉलिटिकल, ये जो कॉन्स्पिरेसी पीछे में चल रहा है ना, पूरा पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल हत्या है इसको। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ये संजय रॉय को छुपाने का कोशिश किसी ने किया था? हाँ, पूरा संजय रॉय को स्केपगोट बनाने का कोशिश कर रही है। सिर्फ संजय रॉय का नहीं है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है। संजय रॉय बोला है ऑकरेंस के होने के बाद वो गए थे। ये सिर्फ संजय रॉय का नहीं है, संजय रॉय को उधर घुमाने का कोशिश चल रही है लोगों का। एक सेमिनार हॉल के अंदर इतना सारे लोग, पुलिस बोल रहा है कि हम लोग कर्टन किए थे, 40 फीट का कर्टन। झूठ बात है। उधर माता पिता ने जो बोला है, झूठ बोला है। क्या बोला? कुछ नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे आके पुलिस नाटक कर रहे हैं। पुलिस को फेस देके लेडी को सामने बैठा दिया उसको बोलने के लिए। ये सब नाटक चल, सब झूठ बात है। दबाने का कोशिश चल रहा है। बहुत बड़ा किसी का हाथ है, इसलिए ममता बनर्जी रास्ते के ऊपर आ गया है। लॉकेट चटर्जी के साथ हम लोगों का बातचीत हो रहा था। लॉकेट चटर्जी के Alright, so that was my colleague Ronik, who is on the ground right now. He's just spoken to Locket Chatterjee, who also was part of the BJP protest rally. Visuals on your screens of that rally. Locket Chatterjee has attacked Mamata Banerjee and said that the TMC government is hand in glove with the accused, the rapist who is in the custody of the CBI currently. Renik, what are the details right now? Big allegations coming in from the BJP. Locket Chatterjee talking about how she, along with other women BJP workers, has been detained by the Kolkata police. महिला मोर्चा के तरफ से राज्य का जो महिला कमीशन है उनको डेपुटेशन देने जा रहे थे बीजेपी वर्कर्स, उसी टाइम पर जो वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से उनको रोका गया था। पहले तो उनको जाने का परमिशन नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद वो लोग जब जाने का कोशिश कर रहे थे उनको रोका जा रहा था। पहला बार से यानी लॉकेट चटर्जी जब सॉल्ट लेक में एंटर कर रहे थे उसी टाइम पर लॉकेट चटर्जी का जो गाड़ी है उनको रोका गया था। जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि निको पार्क के आसपास ही लॉकेट चटर्जी को पहले तो रोका गया था, उसके बाद लॉकेट चटर्जी के साथ ही जो चार बीजेपी वर्कर्स है उनको विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन की तरफ से डिटेन किया गया है। और उसके साथ लॉकेट चटर्जी को जब लॉकेट चटर्जी जब उधर से छूटकर चले आए उसके बाद रैली चालू होने के बाद भी पुलिस की तरफ से उनको रोका गया है। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि बीजेपी वर्कर्स को रोकने के लिए पुलिस का तैयारी कैसा था। और अभी आप देख सकते हैं कि कितना सारा रैपिड एक्शन फोर्स इधर मौजूद है। जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनका जो महिला सेक्टर का जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनको बुलाया गया है, उनको इधर मौजूद रखा गया था। और उसके साथ ही जो वेस्ट बंगाल पुलिस का हायर ऑफिशियल्स वो भी इधर मौजूद है। और उसके साथ ही वेस्ट बंगाल पुलिस का एक्स्ट्रा फोर्स को भी मांगा गया था। पूरा बीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट था इसको लेकर जिस तरीके से पुलिस का प्रोटेक्शन था वही प्रोटेक्शन जब रैली चालू हुआ उसी टाइम में भी देखा गया कि रैली सॉल्ट लेक सिटी सेंटर में आ पहुँचते ही रैली को रोका गया था। पुलिस की तरफ से रैली का परमिशन नहीं दिया गया था और इसी वजह से रैली को रोका गया था। और इसी डिमांड को लेकर जब वो लोग रैली को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे उसी टाइम पर लॉकेट चटर्जी समेत जो भी बीजेपी वर्कर्स थे उनको पुलिस की तरफ से रोका जा रहा था। उसके बाद ही बीजेपी का 5 डेलीगेशन मेंबर को स्टेट वुमेन कमीशन का ऑफिस यानी ठीक मेरा पीछे जो महिला कमीशन का ऑफिस, वो महिला कमीशन के ऑफिस में वो लोग गए थे। महिला कमीशन के ऑफिस में जाकर वो लोग डेपुटेशन सबमिट किए थे और डेपुटेशन के माध्यम से वो लोग बोलने का कोशिश किए थे कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो रेप एंड मर्डर का घटना घट रहा है और उसके बाद जो महिला सुरक्षा को लेकर सवाल आ रहा है उसको लेकर महिला कमीशन की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है ये पूछने के लिए आज उन लोगों की तरफ से ये डेपुटेशन रैली किया गया था। और उसके साथ ही उसमें लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रपाल जैसे जो टॉप मोस्ट लीडर वो भी मौजूद थे, उनको भी रोका गया था। और पुलिस की तरफ से उनको रोकने के बावजूद भी उन लोगों का जो 5 मेंबर का डेलीगेशन टीम वो लोग अंदर पहुंचे थे। अंदर पहुंच के एक ताला जो है ताला लगाने का जो कर्मचारी था वो भी पहले किया गया, मगर उसके बाद पुलिस की तरफ से उनको खोल दिया गया है। वो लोग डेपुटेशन देकर निकल आए हैं। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।